हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉस्किटो रेपेलेंट सर्किट की, यानी कि मच्छर को जो भगा देती है जो सर्किट। तो यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है 555 टाइमर आईसी, उसके बाद में है एक 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में एक बजर, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर, एक 10 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टर और एक 0.01 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें से यहाँ से आपको 10K जो रेजिस्टर है, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी को सेट करना है और एक फ्रीक्वेंसी पे आकर उसको रुका देना है वहाँ पर। यानी कि उसके लिए आपको 20 to 40 किलोहर्ट्स, 20 to 40 किलोहर्ट्स की फ्रीक्वेंसी इसमें से आपको सेट करनी है। यानी कि इसमें से उस तरह का साउंड बाहर आएगा जो कि सिर्फ मॉस्किटो को सुनाई देगा, वो ह्यूमन बॉडी को सुनाई देगा नहीं, यानी कि हमें नहीं सुनाई देगा। तो ये सर्किट वर्क कैसे करेगी? तो सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी में से पावर सप्लाई आएगा जो कि 4 नंबर और 8 नंबर पे जाएगा, उसके बाद में यहाँ से आगे जाके वो 1 किलो ओम के रजिस्टर में जाएगा। 1 किलो ओम के रेजिस्टर में जाकर वो वोल्टेज होगा ड्रॉप, उसके बाद में वो आएगा नीचे, फिर यहाँ से 7 नंबर की पिन में आएगा और ये जो हमारे 3 नंबर की पिन है ये हमारा है आउटपुट, यानी कि उसको हमने लगाया है बजर के साथ। और बजर का जो दूसरा कनेक्शन है यानी कि नेगेटिव, तो वो जा रहा है यहाँ से डायरेक्ट हमारी 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव में। यहाँ से 2 नंबर जो है वो जा रहा है नेगेटिव के साथ, इसको हमने कनेक्ट किया है डायरेक्ट नेगेटिव के साथ, लेकिन उसके बीच में हमने लगाया है 0.01 माइक्रो फेराडे का कैपेसिटर, यानी कि वो चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। फिर यहाँ से 10 किलो ओम के रेजिस्टर में से जो एक टर्मिनल है वो हमने लगाया है 6 नंबर पे, एक टर्मिनल लगाया हमने यहाँ से आने वाली पिन में और एक वाला लगाया है हमने 2 नंबर के साथ। फिर यहाँ से आपको करना है क्या कि 10 किलो ओम के रेजिस्टर को टर्न करके, रोटेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, यानी कि उसी हिसाब से बजर में से साउंड बाहर आना चाहिए। और ये एक नंबर है उसको भी हमने डायरेक्ट कर दिया है ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि नेगेटिव में लगा दिया है। और ये जो 5 नंबर की पिन है यहाँ से आईसी में से, उसको आपको कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करना है, वो आपको डायरेक्टली ऐसे ही रख देनी है। तो ये हो गई हमारी सर्किट, सर्किट डायग्राम हमने देखा अभी। अभी आइए देखते हैं इसके लिए आपको कौन से कंपोनेंट चाहिए और उसके बाद में देखते हैं इसका वर्किंग कि आपको इसको बनानी कैसे है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी सभी कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में है एक 9 वोल्ट की बैटरी, फिर है बैटरी कैप, उसके बाद में है एक 555 टाइमर आईसी, उसके बाद में है एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर, फिर एक बजर, एक 0.01 माइक्रो फेराडे का कैपेसिटर, फिर है 10 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टर और लास्ट में है कुछ जम्पर केबल्स। और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गए हमारे सभी कंपोनेंट्स। अभी आइए देखते हैं कि ये वाली जो सर्किट है इसको आपको ब्रेडबोर्ड पर कैसे बनाना है, यानी कि कैसे माउंट करना है। तो आइए देखते हैं वो सर्किट। यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है एक ब्रेडबोर्ड और एक बैटरी कैप, जिसमें से आपको 2 टर्मिनल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक कनेक्शन है रेड, वो है पॉजिटिव, और ब्लैक है नेगेटिव। तो इसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे, और ब्रेडबोर्ड पे हम लोग इसे ए पार्ट में और डी पार्ट में लगाएंगे। तो ए पार्ट में लगाएंगे हम पॉजिटिव, यानी कि उसके पहले लाइन के पहले वाले होल में हम लगाएंगे रेड कनेक्शन, यानी कि पॉजिटिव, और डी पार्ट के आखिरी वाली लाइन जो है उसके पहले वाले होल में हम लगाएंगे ब्लैक, यानी कि नेगेटिव। तो ये ए और डी पार्ट में हमने यहाँ पर लगा दिया है अभी बैटरी कैप। अभी उसके बाद में हम इसके साथ लगाएंगे एक आईसी जिसकी वैल्यू है NE555, 555।
जिसमें यहाँ पर आपको बीच में कट दिखाई दे रही है उसकी, ये जो आप इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर ऊपर की ओर कट है, तो इसकी लेफ्ट साइड में ऊपर वाला पहला टर्मिनल, तो इसको हम लगाएंगे ऐसे यहाँ पर, जो ये आपको चारों टर्मिनल की लाइन दिखाई दे रही है वो बी और सी पार्ट के बीच में आनी चाहिए, यानी कि एक साइड की जो लाइन है यानी कि 1 2 3 4 ये आएगी सी पार्ट में, और 5 4 5 6 7 8 ये आएगी बी पार्ट में, मतलब ये लग जाएगी बी और सी पार्ट के बीच में ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ऐसे हमारे कनेक्शन हो गए। अभी उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक जम्पर केबल। जम्पर केबल को ये जो यहाँ पर आपको सी पार्ट में 4 नंबर की जो पिन दिखाई दे रही है उसको उसकी वर्टिकल लाइन में आपको ये जम्पर केबल कनेक्ट करना है, और उसके बाद में ये जो दूसरा वाला कनेक्शन है इसको आपको लगाना है 8 नंबर पे, यानी कि बी पार्ट के या का जो होल है लास्ट वाला इस तरफ का, वहाँ पर उसकी वर्टिकल लाइन में आपको जम्पर केबल ऐसे लगाना है, यानी कि 4 नंबर और 8 नंबर ये जो दोनों पिन है ये दोनों अभी एक साथ कनेक्ट हो गई है। अभी उसके बाद में हम लगाते हैं एक रेजिस्टर 1 किलो ओम का, तो ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर एक बेंड कर दीजिए आप ऐसे। उसके बाद में इसको आपको लगाना है ये जो पॉजिटिव लाइन है वहाँ पर एक टर्मिनल उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में, और दूसरा टर्मिनल इसको लगाना है आपको 7 नंबर पे, यानी कि बी पार्ट में जो यहाँ से 7 नंबर का जो पिन है उसकी वर्टिकल लाइन में इसका आपको दूसरा टर्मिनल लगाना है। उसके बाद में आपको लगाना है एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 0.01 माइक्रोफेराडे है। अभी इसको हमें लगाना है 2 नंबर की पिन पे और ग्राउंड में, ग्राउंड यानी कि नेगेटिव में, तो यहाँ से आप पहले वाली और दूसरे वाली पिन में इसका एक टर्मिनल डालना है, और इसका कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल आपको लगाना है यहाँ पर डी पार्ट में यानी कि नेगेटिव के साथ। तो ये हमारा कैपेसिटर अभी लग चुका है दूसरे वाली 2 नंबर की पिन में और लास्ट वाले में यानी कि डी पार्ट में नेगेटिव की हॉरिजॉन्टल लाइन में। अभी आपको क्या करना है कि एक जम्पर केबल लेना है और इसको लगाना है पहले वाली पिन में यानी कि 1 नंबर पर या कैपेसिटर के एग्जैक्ट बाजू में, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको लगाना है हमें नेगेटिव की लाइन में यानी कि डी पार्ट में नेगेटिव की हॉरिजॉन्टल लाइन में। अभी उसके बाद में हम लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, तो वेरिएबल रेजिस्टर में 3 टर्मिनल है, तो एक आपको लगाना है यहाँ पर ये जो आपको रेजिस्टर दिखाई दे रहा है 1 किलो ओम का उसकी लाइन में यानी कि उसके वर्टिकल लाइन में आपको इसको लगाना है। अभी ये जो ग्रीन कलर दूसरा टर्म दिखाई दे रहा है आपको इसको आपको लगाना है 6 नंबर वाली पिन पे, यानी कि यहाँ पर 5 है उसके बाद में 6, तो ये वाले दोनों कनेक्शन एक दूसरे के बाजू बाजू में कनेक्ट हो गए अभी साइड में। अभी उसके बाद में ये जो हमारा लास्ट वाला कनेक्शन है इसको हमें लगाना है 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर लगाया हुआ है वहाँ पर 2 नंबर की पिन के साथ इसको हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। तो ये अभी हमारा वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद में हमें लगाना है बजर, तो ये जो बजर है यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर 3 नंबर के साथ में। 3 नंबर की वर्टिकल लाइन में हम लगाएंगे इसका पॉजिटिव बजर का, और
उसकी हॉरिजॉन्टल में यानी कि बी पार्ट में कहीं पर भी लगाएंगे उसका नेगेटिव। अभी आपको लेना है और एक जंपर केबल, और वो जंपर केबल को हमें लगाना है ये वाला जो नेगेटिव यानी कि बजर का जो नेगेटिव है उसके साथ में हमें कनेक्ट करना है यानी कि उसकी और वर्टिकल लाइन में, और फिर इसका दूसरा टर्मिनल हमें लगाना है डी पार्ट में यानी कि नेगेटिव लाइन में। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सर्किट पूरी तरह से रेडी हो गई है जो कि मॉस्किटो रिपेलर है। अभी इसके साथ हम जॉइंट करते हैं बैटरी। तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी लेकिन साउंड अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से आपको एडजस्ट करना है इसका साउंड, और इसको आपको इसकी जो साउंड की जो कैपेसिटी है वो आपको रखनी है 20-40 kHz। और अगर आप ऐसे ही रखोगे तो ये साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये मॉस्किटो के लिए हानिकारक है यानी कि मॉस्किटो को सुनाई देगा। तो वो अगर हमने हमारे घर में कहीं पर ये वाली सर्किट रख दी तो वो हमें तो इसका साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन मॉस्किटो को वो साउंड सुनाई देगा। इसी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, ये वाला जो साउंड है उसको सुनकर वो इरिटेट हो जाएंगे और अपने घर से चले जाएंगे। अगर आपको इसका साउंड सुनना है तो यहाँ से कैपेसिटर के बाजू का जो कनेक्शन है उसको निकाल लीजिए, जो ये रेड येलो वाला है इसको निकाल के। तो यहाँ पर अभी हमारा एक कनेक्शन है कि जो आपको लगाना है अगर साउंड को सुनना है, तो ये वाला जो ब्लू और एक जंपर केबल आपको लेना है जो कि लगाना है हमें पॉजिटिव की लाइन में, और इसका दूसरा टर्मिनल आपको लगाना है 8 नंबर पे। तो ये हमने 8 नंबर पे अभी ये लगा दिया। अभी आपको इसका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, अभी जब आप ये जो येलो वाला कनेक्शन है इसको निकाल देंगे तो आपको बजर की जो आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूँ तो आपको साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ से अभी एक साउंड बाहर तो आ रही है लेकिन हमें अच्छी तरह से वो सुनाई नहीं दे रही है। आपको यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी को सेट करके इसको फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पर सेट करके फिर 20-40 kHz पे सेट करके कहीं पर आपको रख देना है। तो ये हो गई हमारी सर्किट मॉस्किटो रिपेलर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।